कोरोना का असर सभी दूर होने लगा है। भगवान महावीर की जयंती भी इसी कारण से श्रद्धा पूर्वक मनाएगी, लेकिन शांति के साथ और एकांत में। कुछ लोगों ने अपने अपने घरों में ही महावीर जयंती के संस्कार और अनुष्ठान पूर्ण किए। त्रयोदशा को भगवान महावीर का पुनर्पुर में जन्म हुआ था। आज के दिन इसलिए यह महावीर जयंती मनाई जा रही है, जो आज 2619वां वर्ष महावीर जयंती का है। भगवान महावीर ने सबको अपने समर्पण में सब जियो और जीने का संदेश दिया था। आज यही संदेश अगर चले, और उसने 5 महाव्रतों का बताया था, अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो भगवान ने ये 5 जो महाव्रत बताए थे, उन महाव्रतों का सबको पालन करना चाहिए। अगर ये पालन करेंगे, जैसे अहिंसा का पालन करने से ही आज भारत अभी सही पोजिशन में थोड़ा चल रहा है। अगर जिन देशों ने अहिंसा का पालन नहीं किया और हिंसा का पालन किया, तो उन देशों की दुर्गति अब सब समझ सकते हैं। इसलिए अहिंसा सत्य धर्म है, और भगवान महावीर का यही संदेश है। जय जिनेंद्र। भाषण वासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। तलेटी महल मोहल्ले के अंदर महावीर जयंती की महोत्सव मनाया गया, जो इनका हर साल प्रोग्राम रहता है, लेकिन वो अब की बार कोरोना की वजह से नहीं हो सका। जो अब की बार मोहल्ले में आरती उतारी गई, और हमारे मोहल्ले में ही मैडम श्रीमती रेखा श्रीमाले जो कोरोना वायरस में जुड़ी हुई है, उसकी बहुत सेवा करी, इसके लिए हम मोहल्ले वासी इनके सम्मान कर रहे हैं। और हमारे ऊपर इतना पहाड़ और संकट आ पड़ा है कि हम महावीर जयंती को उत्साहपूर्वक नहीं मना सके। उस पहाड़ को हटाने के लिए इस मैडम ने और नर्सों ने, अस्पतालों ने जो जो मदद की हमारे पहाड़ को हटाने के लिए, इसलिए हम उनका आज बर्थडे भी है, थोड़ा स्वागत करना चाहते हैं। और ये जन्मोत्सव यहाँ पे बहुत आज मतलब इन्होंने मनाया, उसके लिए हम सब मोहल्लेवासी इकट्ठे हुए हैं। साथ में इन्होंने मेरा सम्मान किया आज। ये कोरोना वायरस के लिए मैं रोज़ निकल के जाती हूँ सुबह में, और ये सब लोग देखते हैं, तो इनने इस मतलब मेरे को इस लायक समझा कि इनको सम्मान देना चाहिए। इसके लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ इनके सबके। ये भैया घोड़े फिर बंद घोड़ो बस ये घोड़ो मैं कल अखबार में आ गया टीवी।
आज महावीर जयंती है और महावीर जयंती लॉकडाउन की वजह से सब मंदिर वगैरह बंद हैं, इसलिए महावीर जयंती का पर्व हम अपने पूजा पाठ सब अपने घर पे ही मना रहे हैं परिवार के साथ। और महावीर का संदेश सबको देना चाहते हैं, जियो और जीने दो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महामारी जो लगी हुई है जल्द से जल्द दूर हो जाए और सब लोग सुखी हो जाए। जय जिनेन्द्र। आज महावीर जयंती का पावन पर्व है और लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना महामारी फैल रही है उसमें लॉकडाउन कर रखा है सरकार के आदेश अनुसार। हमने मंदिर जी में पूजा न करके घर पे ही पूजा करने का फैसला गुरु आज्ञा से एवं सभी की साथ लेकर हम घर पे पूजा कर रहे हैं ताकि सारे विश्व से कोरोना महामारी खत्म हो और हम घर पर रहकर कोरोना से बचे और लॉकडाउन का पूरा पालन करके हम पूरा धर्म भी अपना पालन कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, जय महा।
जाओ तुम सब जाओ, दोनों जाओ। नहीं लो, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बाजी कुछ नहीं है, भगवान का प्रसाद है, दो उनको ही दे दे, उनको ही दे दे। दो भैया आज महावीर भगवान का 26वां 19वां जन्म दिवस है। हमने हमारे घर पे महावीर जयंती का उत्सव मनाया। 48 दीपक की आरती, 48 दीपक भक्तामर के 48 दीपक लगाए और उन सब परिवार वालों ने भक्तामर महावीर जयंती का उत्सव मनाया। शोभम राजते तद बपु कल दोति कांतम उच्चंद्र सां सुचि निर्जरिवारि धारि उच्चैस्तकम सुरिगिरिव शांति ओमम पश्चात्यादिमते क्षत्रत्रयम स्थापयामि पानीय चंदन सदचत पुष्प जैसा कि पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और आप सभी को घर से बाहर निकलने को मना कर दिया, पूरे देश में हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है,
वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में फंस के धर्म सिसकता है, पापों के दलदल में फंस के धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है।